अपमान को सह लेना बड़ा कठिन है। यद्यपि जग दारुण दुख नाना सबते कठिन जाति अपमान। अपमान सहन करना बहुत कठिन है। पर कई बार ऐसी परिस्थितियां मनुष्य के सामने आती हैं कि भले ही अपमान सहना कठिन हो फिर भी उसे अपमान सहना पड़ता कि नहीं, क्योंकि यही विवेक यही बुद्धिमानी है। अपमान करने वाला व्यक्ति बहुत अधिक शक्ति संपन्न है, और आपने उसके अपमान का प्रतिकार किया तो वो अभी तो कम किया अपमान और ज़्यादा करेगा, मार पिटाई पर उतारू हो जाएगा। तो बुद्धिमानी इसी में है कि ज़्यादा ताकतवर आदमी कुछ कह दे कोई बात नहीं, कह दिया तो कौन सा लग गया हमारी चला जाए वहां से, ये बुद्धिमानी। तो सामर्थ्य न होते हुए भी कई बार अपमान सहना पड़ता है, किंतु सम्मान का अहंकार, सम्मान को पचाना अपमान को पचाने से अधिक कठिन है। सम्मान को पचा पाना अपमान को पचाने से ज्यादा कठिन। अपमान में तो अपमान की क्रिया हो रही है, और सम्मान में माला पहनाई जा रही है, प्रणाम किया जा रहा है, जय जयकार की जा रही है, वहां तो कोई अपमान की क्रिया नहीं है। किंतु यदि सम्मान प्राप्त करने वाले व्यक्ति ने यह अपने मन में पक्का निश्चय कर लिया कि मैं निश्चित ही सम्मान के बहुत अधिक योग्य हूं, इसीलिए मेरा सम्मान हो रहा है, और हो नहीं रहा है, होना ही चाहिए, ये तो थोड़ा हुआ, हमारी योग्यता तो इससे अधिक की थी, इससे ज्यादा सम्मान होना चाहिए था, कम क्यों हुआ। यदि ऐसी बात मन में आ जाए तो समझ लेना चाहिए कि सम्मान पचा नहीं। अपमान को सहने में बहुत फायदा है, बहुत लाभ है। अपमान से पाप का नाश होता है और सम्मान से पुण्य का नाश होता है। अपमान से पाप का नाश होता है और सम्मान से पुण्य का नाश होता है। तो ईमानदारी से बताओ कि मुनाफा किसमें है? आप लोग तो अधिक से अधिक व्यापारी लोग हैं, लाभ का काम क्या है? हमारे वृंदावन में एक भगवत प्राप्त महापुरुष थे, श्री मोटे गणेशी वाले महाराज जी, उच्च कोटि के भगवत प्राप्त संत थे। हमने उनका दर्शन किया, बड़ी कृपा थी। केवल सुनी सुनाई बात नहीं है, अनेक साधकों को भगवत अनुभूति उन्होंने कराई, ऐसे समर्थ महापुरुष थे। बस बात इतनी सी थी कि उनके सामने जैसा तैसा घसड़ पसड़ चल नहीं सकता था, ऐसे त्रिकालदर्शी महापुरुष थे। आपके जीवन की अच्छी बुरी सारी बातें अकेले में नहीं, सबके बीच में कह देते थे, ऐसे थे, बिना बताए कि श्रीमान जी किसको ठगने, स्वामी जी किसको ठगने के लिए भेष बना रखा है, ऐसा ऐसा काम करते हो, ऐसा तिलक लगाते हो, तुलसी बांधते हो, भगवान को लजा रहे हो, स्वामी जी टल मारने से कुछ नहीं मिलेगा, घोर नरक में जाओगे, घोर नरक में। तो कितने लोग तो ऐसे होते थे कि प्रथम दर्शन के बाद ही द्वारा जाती नहीं, कहते रे बड़ा अहंकारी है, साधुओं की बुराई करते हैं, वैष्णवों की बुराई करते हैं। पर ऐसे वे थे नहीं, वे महान संत थे।
उनके हाथ का लिखा हुआ एक वाक्य हमारे एक संत के पास रखा है। उस वाक्य में उन महापुरुष ने लिखा, जो प्यार करते हैं अपमान को वे प्राप्त कर लेते हैं भगवान को। क्या लिखा है? जो प्यार करते हैं अपमान को वह प्राप्त कर लेते हैं भगवान को। जैसे हमारे ललित जी बोलते हैं ना, कभी कभी अपने तरंग में आते हैं कि बांटना प्रसाद है और बटोरना विषाद है, इसलिए बटोरो मत बांटो। अच्छी बात लगती इनकी, ऐसी बड़ा प्यारा वाक्य है कि जो प्राप्त प्यार करते हैं अपमान को वह प्राप्त कर लेते हैं भगवान। और वे कहते नहीं थे, उदाहरण देते थे, जिस जिसने अपमान को सहा उसे भगवान मिले। विभीषण ने लात खाई तो राम जी के चरण मिल गए, द्रौपदी ने अपमान को सहा, चाहती तो भस्म कर सकती थी सबको, उसे श्री कृष्ण की कृपा मिली। कहां तक गए? विदुर जी ने अपमान सहा तो उन्हें साक्षात श्री कृष्ण मिले। अपमान से अहंकार का नाश होता है और सम्मान से अहंकार की वृद्धि होती है। अहंकार घटे इसमें लाभ है कि अहंकार बढ़े इसमें लाभ है? सारे दोषों की जड़ अहंकार है। संसार किसको कहते हैं? राम जी, संसार कहते किसको हैं? संसार अहम और मम को कहते हैं। किसको कहते हैं संसार? अहम और मम, इसी का नाम है संसार। मैं और मेरा, इसी का नाम है संसार। जैसे अश्विनी कुमारों का आह्वान करने पर एक नहीं आता, दो आते हैं, क्योंकि दो को ही अश्विनी कुमार कहते हैं। ऐसे ही अहम होगा तो मम होगा, मम होगा तो अहम होगा, दो एक संग ही संग रहते हैं, अलग रहते नहीं है। अहम के साथ मम, मम के साथ अहम। मैं और मेरेपन का अभिमान समस्त दोषों की जड़ है, समस्त दुखों की जड़ है। भगवान के श्री मुख का वचन है, अहम ममा मानोत्थै कामलोभादिभिर्मलै वीतं यदा मनःशुद्धं अदुःखं असुखं समम। काम लोभ आदि जितने विकार हैं वे अहम और मम से पैदा होते हैं। अहम और मम के संयोग से, जैसे स्त्री पुरुष के संयोग से संतान पैदा होती है, संसार बढ़ता है, ऐसी अहम और मम के पेट से संसार पैदा होता है। अहम और मम के पेट से सारे विकार पैदा होते हैं। इसलिए वीतम यदा मनः, जब मन अहम और मम से वीता मन रिक्ता है, अहम और मम जब भीतर से निकल जाते हैं, तब शुद्धम, अहम और मम से विरहित मन को ही शुद्ध कहते हैं, उस अंतःकरण को ही शुद्ध अंतःकरण कहते हैं जिसमें अहम और मम न हो। बोले तब तो बहुत अच्छी बात है, हम तो बैठ गए मंच पर, हम घोषणा कर देते हैं कि मेरे में अहम और मम नहीं। फायदा इसी में है कि नहीं? और आप जैसे भोले भाले लोग कई बार वक्ताओं को समझ भी यही लेते हैं, कह रही इतनी ऊंची बात बता रहे हैं तो जरूर
इनमें तो अहम और मम नहीं होगा। कई बार हमें अपने ज्ञान का भ्रम हो जाता है, यह बड़ा खतरनाक है। ज्ञान का भ्रम अज्ञान से ज्यादा खतरनाक है। केवल पुस्तकीय ज्ञान को, शाब्दिक ज्ञान को ज्ञान नहीं कहते हैं। ज्ञान उसको कहते हैं जिसके प्रकट होते ही अज्ञान मिट जाए, स्वरूप बोध हो जाए। तो हम कैसे समझें कि हमारे भीतर अहम और मम अब मिट चुके हैं और अंतःकरण शुद्ध हो चुका है, हम कैसे समझें? घोषणा करने को तो कोई भी कर देगा, हम कर देंगे, आप कर देंगे। अब तो महाराज अहम मम सब गया, अब तो बिल्कुल हम भगवान के भक्त हो गए, घोषणा करने में तो लाभ है। हमें अनुभव करना है वस्तुतः यह विकार गए कि नहीं गए, अहम और मम गया कि नहीं गया। हमारा मन साम्यावस्था में आ जाए, समता में आ जाए, ऐसी अवस्था में आ जाए कि न तो सुख रह जाए और ना ही दुख रह जाए। देखो, सुख होगा तो दुख तो आएगा। आपने बढ़िया छेना के रसगुल्ला खाए और खाने में सुख मिला कि नहीं मिला, बोलो। पर आपकी सामर्थ्य जितनी थी रसगुल्ला खाने की, उस सामर्थ्य से अधिक खाने और पचाने की सामर्थ्य से अधिक खा गए आप, तो बाद में पेट में दर्द होगा या पेट खराब हो गया, जी मिचलाएगा या बमन होगा, उसका कष्ट किसको होगा? बोलिए। रसगुल्ला खाने का स्वाद जिसने लिया है, रसगुल्ला खाने का स्वाद जिसने लिया है, उसी को कष्ट भी होगा। ध्यान देने योग्य बात है, हम कैसे अनुभव करें कि हमारा चित्त शुद्ध हो गया है? यदि अहम और मम निवृत्त हो चुके हैं तो चित्त शुद्ध हुआ है। अहम और मम की निवृत्ति नहीं हुई है, मैं और मेरेपन के अहंकार की निवृत्ति नहीं हुई है, तो चाहे जो नाटक कर लो, चित्त शुद्ध नहीं हुआ। तो हम ये बात कह रहे थे कि तब हम ऐसा कहेंगे क्योंकि हमारा चित्त शुद्ध नहीं हुआ। हम तो घोषणा कर देंगे कि अब तो इतने दिनों से कथा वार्ता कर रहे हैं, सुन रहे हैं, कह रहे हैं, अब ना हमारे भीतर अहम है, अब ना हमारे भीतर मम है। इसी में लाभ है, हम प्रमाणित करें कि हमारा चित्त मलिन है, इसमें हानि है, अब प्रमाणित करें कि हमारा चित्त शुद्ध है, इसमें लाभ है, ज्यादा आदर सम्मान मिलेगा। यह भ्रम साधक के लिए बहुत अहितकारी होता है। कभी भ्रम में नहीं जीना। जैसे हम दूसरे के बारे में विचार करते हैं, ऐसे ही अत्यंत तटस्थ भाव से अपने संबंध में विचार करना। विवेक की दृष्टि से देखने पर यह संभव नहीं है कि हमें अपने गुण दोष दिखाई न पड़ने लग जाए। अपने दोष न दिखाई पड़ना, अपनी गलती अनुभव में न आना, यही सबसे बड़ी गलती है। जिन महापुरुषों का चित्त बहुत शुद्ध होता है, उनका कोई अपराध न हो, कोई उनको अपराधी साबित कर, वो कहा हम अपराधी।
तो सूरदास जी भी जिस घर में पैदा हुए थे सारस्वत विप्रकुल में, बड़ी गरीबी थी। तो एक बार सूरदास जी के पिताजी को किसी यजमान ने 1 सोने की मुहर दे दी दक्षिणा में। अब महाराज बड़ी भारी गरीबी थी, मुहर देखी नहीं थी अब तक पिताजी ने, पर मुहर घर में आ गई। बड़ी प्रसन्नता थी कि पहली बार इतनी बड़ी दक्षिणा आई है, अब इस मुहर से तो बहुत कुछ काम घर में हो जाएगा। और उस मुहर को एक चूहा ले गया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। और चूहा ने ले जाकर उसको बिल में रख दिया। अब मुहर गायब। पिताजी माथा कूट रहे थे, राम राम, जीवन में पहली बार तो सोना देखा, मुहर आई, और ये अभागा बालक ऐसा है, जब से पैदा हुआ है तब से विपत्ति का पहाड़ टूट टूट के गिर रहा है। एक तो जन्म से अंधा, जन्मांध, और अब ज्ञान। और सूरदास जी 5 वर्ष के थे। सूरदास जी कह रहे थे, क्या हुआ, धन किसके साथ जाएगा, क्यों पिताजी रो रहे हो? अरे अपने लोगों को तो राम राम करना चाहिए, भजन करना चाहिए, ज्ञान ऊपर से दे रहा है, ये सब तेरे कारण हुआ है, और तू लोगों के दुख दूर करता है, लोगों के सगुन बताता है, तो ये नहीं बता सकता कि वो मुहर कहां चली गई। सूरदास जी ने कहा, पिताजी हम बता तो देंगे कि कहां गई मुहर, लेकिन फिर इस घर में नहीं रहेंगे, चले जाएंगे, भजन करने चले जाएंगे। पिताजी ने मन में सोचा, जाए तो जाए, बतावे तो सही कहां है, उनको तो अभीष्ट वही था। अरे बोले, ज्यादा बैराग छांटता है, बता कहां है, तेरी जो इच्छा उसको कर लेना। तब उन्होंने कहा, घर के अमुक दिशा के अमुक कोने में अमुक इतने हाथ इतने अंगुल की दूरी पर एक चूहे का बिल है, और उस बिल में चूहा ले गया है, इतनी गहराई पर मुहर है। ये बात कितनी आयु में बताई, 7-8 वर्ष के थे तब बताई उन्होंने ये बात। कितने वर्ष के? 7-8 वर्ष के थे सूरदास जी, जनेऊ तो हो गया था सूरदास जी का। अब बोलो, अंधा बता सकता है? ये जन्म सिद्ध महापुरुष थे, दिव्य दृष्टि थी सूरदास जी, अतीन्द्रिय ज्ञान था। और सूरदास जी घर से निकल पड़े, और जहां बैठे पेड़ के नीचे वहां भी लोगों के भूत भविष्य बताने लग गए। और धीरे धीरे वहां भैंस बन गई, घोड़ा बन गया, झोपड़ी बन गई, तमाम भक्त हो गए सूरदास जी के। और वे सूरदास जी मन में अशांति हो गई कि अरे कहां चक्कर में फंस गए, आए थे हरि भजन को, होटल लगे कपास, कहां चक्कर में पड़े। तब फिर अपने जन्मभूमि के क्षेत्र को छोड़ करके वे रुनुकता आए, जो आगरा के पास रुनुकता गऊ घाट, और वहां भजन कर रहे थे। कुछ दिन मथुरा में भी रहे, लेकिन मथुरा में भी भीड़ भाड़ देख के वो गऊ घाट चले गए, और श्री वल्लभाचार्य जी का दर्शन। इसलिए अपराध न होने पर अपराध स्वीकार करना, ये बुद्धिमान। और केवल स्वीकार नहीं करना, यदि अपराध है तो प्रतिज्ञा करना कि अब ऐसा अपराध द्वारा जीवन में नहीं बनेगा, तो प्रायश्चित है, नहीं तो प्रायश्चित किस बात का। तो सूरदास जी ने गलती न होते हुए भी, वे कहते, मौसम कौन कुटिल खलका। हम आत्मनिरीक्षण करें और हमें अपनी कमियां न दिखाई पड़े, ये संभव नहीं। मोह में अंधे हो रहे हैं, अज्ञान में अंधे हो रहे हैं, तो अंधे को तो कुछ नहीं दिखाई पड़ेगा। किंतु यदि संत सद्गुरु की कृपा से
शास्त्र की कृपा से, सर्वसमर्थ महा महा महिमामय हरिनाम की कृपा से यदि आपको विवेक की दृष्टि प्राप्त हो गई है, उमा कहूं मैं अनुभव अपना सत हरि भजन जगत सब सपना, ऐसी विवेक की दृष्टि यदि आपको प्राप्त हो गई है तो बिल्कुल पक्का समझ लो आपको गुण दोष स्पष्ट दिखाई देने लग जाएंगे। तो बोले फिर तो गुण देखने से अहंकार आएगा कि मैं बड़ा गुणवान हूं। बोले नहीं आएगा अहंकार, क्योंकि गुण तुम्हार समुझे ही निज दोषा। गुण हमारे हैं ही नहीं, गुण सब हमारे राम जी के हैं। खजांची धनवान होने का अहंकार नहीं करता, क्यों जानता पैसे हमारे नहीं है। बैंक में भले ही अरबों खरबों रुपए जमा हो पर वो हमारा नहीं है, वो तो खाता धारकों का है, ऐसा वो अनुभव करता, इसलिए उसको अरबपति खरबपति होने का अभिमान नहीं होता। नहीं, कैशियर को अभिमान सबसे पहले होना चाहिए, ए मैं इतने का मालिक हूं, ऐसा नहीं। ये सब गुण हमारे ठाकुर के हैं, अहंकार से छुट्टी मिल गई। और दोषों को स्वीकार करने से दोष समाप्त हो गए और द्वारा दोष बने नहीं। तो चर्चा थोड़ी लंबी खिंच गई, हम यही बात निवेदन कर रहे थे कि अपमान को सहन करने की अपेक्षा सम्मान को सहन करना अतिशय कठिन है। आपके पिताजी, आपके गुरुजी, आपके कोई बड़े आपको आदर देते हैं, यदि आपने समझ लिया कि हमारे गुण ही ऐसे हैं जो हमारे इतना जय जयकार किया जाता, बस वहीं से उल्टी गिनती शुरू। हम लोग भगवान की कृपा अब तक पचा नहीं पाए, पचाई कृपा हमने भगवान की। कब हूं करे करुणा नर दे, कब हूं करे करुणा नर दे, देत ईश दीनु हे तू सने, देत ईश दीनु हे तू सने। क्या लिया हमसे और क्या दिया, साधन धाम, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, विनाशी से अविनाशी को प्राप्त कर लेना, ये तो हुई बुद्धिमानी, और अविनाशी को माध्यम बनाकर विनाशी पदार्थों को प्राप्त कर लेना, ये हुई मूर्खता। शरीर विनाशी है, इस विनाशी देह को माध्यम बनाकर हम अविनाशी को प्राप्त करते हैं। संसार के भोग विनाशी हैं, भगवान की भक्ति करके भोगों का संग्रह किया गया तो इससे बड़ा घाटा और कोई दूसरा नहीं हुआ। क्या करें, अब हमारे मन की बात है तो हमको कहने कहे बिना संतोष नहीं होता, यही सब विचार हमारे भीतर उठते रहते हैं। और कुछ दिनों से एक बात बार बार भीतर से उठती है कि कल्याण के पथ पर चलते बहुत से जीव हैं पर कल्याण
बहुत कठिनाई से होता है। उसका कारण केवल इतना है कि हम अपने आप के प्रति ईमानदार नहीं। ये बात काफी समय से बार बार मन में आती है। उर्द्वपुंड लगाते हैं, तुलसी बांधते हैं, मंत्र भी जप लेते हैं, नाम भी जप लेते हैं, बहुत अच्छा है, ये सब व्यर्थ नहीं जाएगा, लेकिन इतने के बाद भी हम अपने आप के प्रति ईमानदार नहीं है, हमारे जीवन में सच्चाई नहीं है, हमारे जीवन में निश्चलता निष्कपटता नहीं है, हमारी चतुराई हमारे कल्याण में बाधक बनी हुई है। इस चतुराई को चूल्हे में जला दो, भोले भाले सरल बन जाओ। नवधा भक्ति में भगवान श्री राम ने सबरी को नवधा भक्ति का उपदेश किया, उस नवधा भक्ति में भगवान श्री राम ने नवमी भक्ति अंतिम भक्ति सरलता को बताया। नवम सरल सब सन चले ही ना, ये नवी नौमी भक्ति है, सरलता नौमी भक्ति है। भगवान की कृपा सभी जीवों पर है, अनुभूति कैसे होगी। मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करिहे रघुराई, भजत कृपा करिहे रघुराई, मन तम वचन छाड़ी चतुराई, मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करिहे रघुराई, भजत कृपा करिहे मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करी है रघुराई। उत्तम कुल में जन्म लेने का अहंकार हम लोग ढो रहे हैं, पढ़े लिखे होने का अहंकार हम लोग ढो रहे हैं, पर व्यासपीठ पर बैठकर ईमानदारी से कह रहे हैं गुरुदेव भगवान की कृपा का लाभ उस भोले भाले गरीब ग्रामीण व्यक्ति ने जैसा प्राप्त किया। गृहस्थाश्रम भोगा, बुढ़ापे में घर छोड़ के आया, पर जैसे उसने सदगति प्राप्त की, जैसा कल्याण प्राप्त किया, वैसा कल्याण हम लोगों के भाग्य में भी नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे जीवन में निश्चलता नहीं है, निर्मलता नहीं है, चतुराई कूट कूट के भरी है। भगवान से चतुराई, गुरुजी से चतुराई, संतों से चतुराई, इस चतुराई को चूल्हे में जला दो, एकदम ऐसे हो जाओ, कोरे कागज बन जाओ, कोरे कागज बन जाओ। कोरे कागज पर ही ज्ञान भक्ति वैराग्य के शब्द अंकित होंगे, पहले से गंदा कागज है उस पर क्या होगा, कुछ नहीं होगा। जीवन में सहजता सरलता इसको धारण करो, और भगवान की दया से, गुरुदेव भगवान की कृपा से दास का यह अनुभव है कि यह सरलता तब तक नहीं आती जब तक सब में अपने राम जी दिखाई नहीं पड़ते। सब में अपने राम जी दिखाई पड़ने लग जाएंगे तो सरलता आ जाएगी। गुरु जी को साक्षात परमात्मा मानो, ये बात बार बार शास्त्रों में क्यों कही गई, इसका आशय क्या है। इसका आशय बाबा इतना ही है के गुरु को मनुष्य मानता रहेगा तो छल कपट झूठ पाखंड सब कुछ करेगा,
और परमात्मा मान लेगा तो वो तो सर्वांतर्यामी, फिर कुछ नहीं करेगा, फिर कुछ ना कर साधन ना करने पर भी कल्याण की पक्की गारंटी। चतुराई नहीं छोड़ी तो साधन करने, साधन व्यर्थ नहीं जाएगा, एक हरिनाम धोखे से निकल गया वो भी व्यर्थ नहीं जाएगा, लेकिन अपनी चतुराई, ये चतुराई जब तक खत्म नहीं होगी तब तक कल्याण में कुछ न कुछ कसर बनी रहेगी, कोई न कोई माया का झोंका उठा उठा के पटकता रहेगा। इसलिए भैया हम कैसे समझे हमारा चित्त शुद्ध हो गया, हमारे सुख दुख मिट जाए, हमारा सुख भी मिट जाए और हमारा दुख भी मिट जाए। अदुखम असुखम समम, न दुख रहे न सुख रहे, हमारे जीवन में समता आ जाए, हमारा चित्त शुद्ध हो गया। संत अपमान को तो सहन करते ही हैं, सम्मान को भी सहन करते हैं। सम्मान निरादर आदर ही सब संत सुखी बिचरंती मही, सम्मान निरादर आदर ही सब संत सुखी बिचरंती मही, सम्मान निरादर आदर ही सब संत निरादर आदर ही सब संत सुखी बिचरंती मही, सब संत सुखी बिचरंती मही, सम्मान निरादर आदर ही सब संत सुखी बिचरंती मही, सम्मान निरादर आदर ही सब संत सुखी बिचरंती मही। यदि भगवान की ओर जाना चाहते हो तो नूतन बालवत स्वभाव अपना बना लो, छोटे बच्चे बन जाओ, छोटे बच्चे, एकदम छोटे बच्चे, 4-5 साल के बच्चे स्वामी जी, वो छोटे बच्चे उनको थोड़ा डांट दो तो क्या करेंगे, बालानाम रोदनम वलम, रोएंगे। और जिस व्यक्ति ने आंख निकाली है ना उसको डांटा है, वही व्यक्ति झोली से एक टॉफी निकाल के मुस्कुरा के कहे, वो बिल्कुल भूल जाएगा कि अभी इसने हमको डांटा था, तुरंत गोद में आ जाएगा, ऐसे हाथ कर देगा, गोद में आ जाएगा, खा लेगा। वो सम्मान अपमान के भाव को भीतर बांध के नहीं रखता है, ऐसे ही सम्मान पचाना इतना कठिन होता है, इसलिए हमको इतनी लंबी चौड़ी चर्चा करनी पड़ी। भगवान को मनुष्य कह रहा है, कहते देखो तो सही, ये नेक्सा नेक्सा बालक, नेक्सा छोरा, ये ऐसी बढ़िया चटपटी बातें करता है कि इसकी बातों में सब फंस जाते हैं, सब इसके चक्कर में आ जाते हैं, इन थोथे तर्कों के द्वारा ये गोप अपना कल्याण चाहते हैं। सम्मान ना पचने पर भी भगवान में भगवान नहीं दिखाई पड़ते, गुरुजी में गुरुजी नहीं दिखाई पड़ते, पिताजी में पिताजी नहीं दिखाई पड़ते। इसलिए भैया सम्मान को पचाना सीख लो, कभी अपने को सम्मान के योग्य मानो ही मत। अरे हम आपसे पूछते हैं, ये मलमूत्र का बर्तन है, गंदगी पैदा करने की फैक्ट्री है, इसमें सम्मान के योग्य है कौन सी चीज भाई, जहां से देखो वहां से गंदगी निकल रही है, कहां से क्या सम्मान की चीज है, कौन सा अंग सम्मान के योग्य है। प्रिय चंदन क्यों लगाया जा रहा है, ये माला क्यों पहनाई जा रही है, ये इस मलमूत्र के बर्तन का सम्मान नहीं है, ये गुरुदेव भगवान ने कृपा करके भगवान का स्वरूप मस्तक पर पधरा दिया है, गले में तुलसी बांध दी है, एक भक्त का, वैष्णव का, साधु का बाना धारण कर रखा है, इसका सम्मान है। तो ये भेष किसका है, मनुष्य का भेष है, किसका भेष है, भेष भगवान का, हम लोग साधु में कहते हैं ना भेष भगवान का, भगवान का भेष है। तो सम्मान किसका हुआ, जब हमारा है ही नहीं तो सम्मान किसका हुआ,
भगवान का हुआ, भगवान का सम्मान हुआ तो हमें अहंकार करने की जरूरत क्या पड़ गई। अब चलो सम्मान में तो ये सोच लो, अपमान हुआ तो क्या हुआ, बोले तो ये तो होना ही चाहिए था। इसमें जहां सम्मान की योग्य कोई चीज ही नहीं है और सम्मान हो रहा था तो झूठा हो रहा था, अपमान हुआ तो अच्छा हुआ। ये विचार यदि सौभाग्य से किसी भाग्यशाली के भीतर आ जाए तो अपमान सम्मान के झमेले से मुक्त होकर के क्या आनंद प्राप्त करेगा भैया, वो फिर नाम का आनंद नहीं रह जाएगा, वो सच्चा आनंद हो जाएगा, सच्चा आनंद हो।